अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिविल सेल्स में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज में किस्त पर। त्यौहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे। एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वॉलफोल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिविल सेल्स बुगनिया रोड पुराना किला मोड़, संपर्क करें 0154-796-734। सिवान शहर के एक निजी होटल में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व स्नातक क्षेत्र के MLC स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान आनंद पुष्कर ने कहा कि शिक्षकों की सारी समस्याओं का निवारण उनके द्वारा किया जाएगा, साथ ही पेंशन व अन्य कई मामले हैं जो शिक्षकों के हित में है उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्षों से उनके पिता ने शिक्षकों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी है, सभी लोगों ने उन्हें समर्थन दिया था। इस मौके पर कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, त्रिहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC संजय कुमार सिंह, CPI के प्रदेश महासचिव राम नरेश पांडे, सिवान की सांसद कविता सिंह, इसके साथ ही घटक दल के जिला नेतृत्व के सभी साथी की उपस्थिति रही। केदारनाथ पांडे जी जो पूर्व में सारण शिक्षक स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद थे, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके सुपुत्र कर्मठ एवं ऊर्जावान आनंद पुष्कर जी चुनाव लड़ रहे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। मैं सभी शिक्षकगण से अपील करना चाहूंगी कि इनके पिताजी वर्षों तक सभी शिक्षकों की आवाज को सदन में उठाते रहे और सच सदन तक उनकी आवाज को पहुंचाया और उनके लिए बहुत सारे कार्य किए और उनके सुपुत्र आज उनके मृत्यु के उपरांत जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे सभी शिक्षकगण से यही अपील होगी कि जिसका जो है जो कार्य उन्होंने किया उनके अधूरे सपनों को पूर्ण करने के लिए आनंद पुष्कर जी को प्रथम वरीयता का अपना मत देकर उनको विजयी बनाएं और उनकी आवाज को जो सदन में कहीं ना कहीं भी उनके नहीं रहने पर खाली स्थान है उस स्थान को आनंद पुष्कर जी भरेंगे और शिक्षकों की आवाज को सदन तक पहुंचाएंगे। मीडिया के माध्यम से आए हुए सारे शिक्षक का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं जो पुष्कर आनंद जी महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं उनमें वो टैलेंट है जो स्वर्गीय केदार पांडे जी का अधूरा जो भी उनका काज रहा उनको पूरा करेंगे। ये इनके व्यक्तित्व से झलकता है और मैं जितने भी शिक्षक बंधु हैं मैं सबसे अपील करता हूँ कि ये जो भी उम्मीदवार है और स्वर्गीय केदार पांडे जी का जो भी आपने कार्यकाल देखा मुझे लगता है कि वो शिक्षक के लिए जितना किए वो हमेशा आप लोग को स्मरणीय रहेगा और हम लोग भी महागठबंधन के तरफ से शिक्षक का जो भी प्रॉब्लम आता है विधान परिषद में संजय जी भी बहुत मजबूत तरीके से उठाते हैं, हम लोग ने भी उठाया है। आपने देखा होगा कि आप लोग का काफी प्रॉब्लम सॉल्व इस सरकार ने की भी है और मैं आप लोग से अपील करता हूं कि आप पुत्र आनंद जी को अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। इसी के साथ मैं पूरा उम्मीद है कि आप जरूर
कि इनके पिताजी का सपना पूरा करेंगे। धन्यवाद। हम लोग अभिभावक थे और जो भी शिक्षक लोगों की समस्या होती थी सदन में उठाने का काम करते थे, सहयोग करने का काम करते थे और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। उनके सुपुत्र श्री आनंद पुष्कर जी महागठबंधन को उम्मीदवार है और जितने हम लोग जनप्रतिनिधि हैं महागठबंधन के, हम लोग जो भी शिक्षकगण हैं सबसे अपील करने का काम करेंगे कि आनंद पुष्कर जी को अपना पहली वरीयता का वोट देने का काम करें और जो पांडे जी का अधूरा सपना है, जो हमारे शिक्षकगण हैं उन लोगों का जो अधूरा सपना है उसे पूरा करने का आनंद पुष्कर जी काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित तमाम साथियों को धन्यवाद। मैं आज प्रेस वार्ता में भारतीय कांग्रेस पार्टी के राज्य सचिव की हैसियत से आपके बीच अभी तमाम शिक्षकों के करने आया हूँ कि महागठबंधन के घोषणा पत्र में है समान काम समान वेतन। हम आनंद पुष्कर को महागठबंधन की ओर से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सागर से ऐसे बोल बोलिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सागर से आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया गया है। हम तमाम शिक्षक मतदाताओं से अपील करने आए हैं कि आप अपार बहुमत से प्रथम वरीयता का वोट देकर 21 मार्च के मतदान में अपार बहुमत से विजयी बनावे। राम नरेश पांडे सचिव भारतीय कम्युनिस्ट मत देकर के उनको भारी मतों से विजयी बनाए, ये हम शिक्षकों का आवाज कुछ सदन में बहुत ही मजबूती तरीके से रखेंगे और हम आशा है इनके नेतृत्व में हम उनका जो भी दिक्कत जो भी परेशानियां हुई हैं वो दूर होंगी और फिर एक बार तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं बहन भाइयों से निवेदन है कि प्रथम वरीयता का मत देकर श्री आनंद पुष्कर जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं।